माँ से मुसाफिर कैफे। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अक्षर के स्कूल में फोन करके कंफर्म किया कि वो सही तो है। स्कूल से पता चला कि अक्षर उन कुछ बच्चों में से है जो बिल्कुल भी नहीं रोए। सुधा ने टैक्सी मंगाया और मसूरी के लिए चल दी। रास्ते में शिव मंदिर आने पर ड्राइवर ने सुधा से वहां की चाय पीने के लिए पूछा, तो सुधा ने वहां चाय पीते हुए सोचा कि कभी चंदर भी यहां रुका होगा। चाय पीने के लिए वो कहीं भी रुक सकता था। वो अक्सर कहा करता था कि वो मर भी रहा होगा तो यमराज से आखिरी प्याली चाय पीने की इजाजत ले लेगा। मसूरी जैसे जैसे पास आता जा रहा था वैसे वैसे सुधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलने के 2 घंटे के अंदर वो मसूरी में हनीमून इन होटल के सामने खड़ी थी। हनीमून इन होटल देखकर उसको याद आया कि चंदर से शादी हुई होती तो वो यहीं लेकर आया होता। अगले ही मोमेंट उसको ये ख्याल आया कि वो शायद आया भी हो। थोड़ा बहुत पूछकर वो मुश्किल से 20 मिनट में मुसाफिर कैफे के सामने खड़ी हो गई। अंदर कुछ टूरिस्ट बैठे हुए थे, कुछ गद्दे पर मजे से लेटे हुए थे। सामने दीवार पर सैकड़ों फोटो लगी हुई थी। वो उस दीवार के पास गई तो देखा कि सभी फोटो में चंदर और उसके साथ एक बंदी थी। काउंटर पर फोटो वाली बंदी बैठी हुई थी। सुधा को समझ में आ गया कि ये पम्मी है। चंदर को वहां फोटो में देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी खुशी। वो पास पड़ी सबसे छोटी वाली टेबल पर बैठ गई। पम्मी उसको अकेला देखकर खुद ही मेन्यू लेकर वहां आकर सुधा से ऑर्डर के लिए पूछा, क्या लेंगे आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इस पर पम्मी ने बताया, हमारे यहाँ की कोल्ड कॉफी वर्ल्ड फेमस है तो वही बनवा दीजिए। कुछ टोस्ट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। पम्मी ऑर्डर लेकर जा ही रही थी कि इतने में सुधा ने पूछा, ये फोटो में आपके हस्बैंड है? पम्मी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इस आदमी से कौन शादी करेगा, कैफे में पार्टनर है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? मुंबई से। मसूरी घूमने? नहीं, अपने बेटे के एडमिशन के लिए देहरादून तक आई थी तो सोचा कि 1-2 दिन का ब्रेक ले लूं। आपके पार्टनर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन, चंदर? वो ट्रैकिंग पर गया हुआ है, कल तक आ जाएगा। आप हमारे यहाँ एक दिन रुकती क्यों नहीं? ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके हस्बैंड भी है साथ में? पम्मी ने पूछा। नहीं, मैं अकेली हूँ, बुकिंग कर दीजिए आप मेरी। पम्मी ने काउंटर पर जाकर चेक किया लेकिन उस दिन एक भी कमरा खाली नहीं था। वो कॉफी सर्व होने के बाद सुधा के टेबल पर ये आकर बताया, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है लेकिन वो उसके साथ उसके घर में रुक सकती है। वैसे भी चंदर कल लौटेगा और कल सुबह एक कमरा खाली हो जाएगा। सुधा को थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन उसने हाँ कर दिया। अरे लीजिए, हमारी इतनी बात हो गई और आपका नाम भी नहीं पूछा मैंने, पम्मी ने कहा। सुधा। पम्मी एक सेकंड के लिए थोड़ा ठिठकी। अपने मन में एक बार सोचा कि कहीं ये वही सुधा तो नहीं, लेकिन तभी कुछ कैफे का काम आ गया और इन सब के बीच में वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इस बीच जब पम्मी कैफे के काम में बिजी हो गई तो सुधा सामने किताबों की अलमारी देखने लगी। वहां रखी हुई कुछ किताबों को वो पहले से पहचानती थी। उसमें से एक किताब निकालकर वो पन्ने पलटने लगी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक तारीख पड़ी थी। चंदर की आदत थी कि वो किताब जिस दिन खत्म करता था वो किताब के आखिरी पन्ने पर लिख दिया करता था। सुधा ने किताब के कुछ पन्ने पलटकर एक अंडरलाइन को छुआ। उसे ठीक ऐसा लगा जैसे सालों बाद उसने चंदर को छू लिया हो, उसका सिर सहला लिया हो। सुधा का पूरा दिन मुसाफिर कैफे में चंदर की जगह को महसूस करते हुए बीता। शाम को पम्मी उसको अपने घर ले आई। घर में घुसते ही उसे सामने की दीवार पर चंदर और पम्मी की एक तस्वीर लगी दिखी। तस्वीर देखते ही उसको अपने रुकने वाले फैसले पर थोड़ी कोफ्त हुई। कमरे में चंदर का थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, वैसे ही 2-3 किताबें फैली हुई थी। वो 2-3 किताबें एक साथ शुरू कर देता था। पम्मी सुधा को चंदर वाला कमरा दिखाकर नीचे कैफे में चली गई।
मम्मी के जाते ही सुधा चंदर के बेड पर लेटकर ऊपर छत को देखते हुए जाने क्या क्या सोचने लगी थी। थोड़ी देर लेटकर वो सामने बालकनी में चली गई। सामने वाला पहाड़ उसको देखकर मुस्कुरा उठा, जैसे सालों से उसका इंतजार कर रहा हो। बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर पिछले 10 सालों के बारे में सोचने लगी थी। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को कई सारे गेस्ट बैठकर बालकनी में बॉनफायर कर रहे थे। खूब सारा गाना बजाना हो रहा था। पम्मी भी कुछ गाने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार गाना भूल जाती। जब भी वो गाना भूल जाती तो बोलती, चंदर को आगे का पूरा गाना याद है, वो हमेशा याद दिला देता था। ठीक इसी मोमेंट सुधा ने सोच लिया कि अगले दिन सुबह वो बिना चंदर से मिले लौट जाएगी और विनीत के साथ शिफ्ट हो जाएगी। उसको कोई हक नहीं कि इतने सालों बाद लौटकर चंदर की लाइफ में फालतू में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे। बॉनफायर में बहुत कम आग बची थी, मुश्किल से 10 मिनट की। बालकनी में सबके जाने के बाद पम्मी ने सुधा से कहा, तुम वही सुधा तो नहीं जिसका इंतजार चंदर आज भी कर रहा है? सुधा कोई जवाब नहीं देती। कोई जवाब न पाकर पम्मी ने दोबारा कहा, किताब की अलमारी से तुमने किताब निकालकर जिस तरह किताब के आखिरी पन्ने को छुआ था, मैं तभी समझ गई थी कि तुम वही सुधा हो। सुधा ने अब भी कुछ नहीं बोला। इसके बाद पम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। लंबी खामोशी के बाद सुधा ने कहा, मैं कल सुबह चंदर के आने से पहले चली जाऊंगी। पहाड़ फूक फूक कर बॉनफायर की आग को बार बार जला दे रहा था। लकड़ी की आग बुझते बुझते बार बार जली जा रही थी, हर बार पहले से तेज। उसे उस दिन की बात। अगले दिन सुबह पम्मी जल्दी उठकर नीचे कैफे में चली गई। जब चंदर आया तब पम्मी ने उसको बताया कि एक गेस्ट ऊपर है, वो चाय लेता जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि पम्मी ने गेस्ट को अपने घर में रुकवा दिया हो, वो पहले भी कई बार ऐसा करती रही थी, इसलिए चंदर को कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा। वो चंदर को अभी सुधा के बारे में कुछ नहीं बताती। चंदर चाय लेकर ऊपर घर में पहुंचा। सुधा आराम से बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रही थी। चाय रखने के बाद चंदर ने सुधा का चेहरा देखा। एक मोमेंट होता है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि दुनिया कभी कभी चलते चलते एक पल को रुक जाती है। ये वही मोमेंट था जिसकी तैयारी दुनिया 10 सालों से कर रही थी। इस मोमेंट में 10 साल की बर्फ जमी हुई थी। चंदर को कुछ समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। कैसी हो? ठीक हूं। इतनी सी बात के बाद उन दोनों की बड़ी देर तक कुछ बात नहीं हुई। सुधा ने ही चाय की एक सिप लेने के बाद बोला, बस कुछ और नहीं पूछना? 10 साल बाद मिलने पर बातें खत्म हो जाती है क्या? बातें इतनी हो जाती है कि समझ नहीं आता कि शुरू कौन सी बात से करे। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। जब बातें बची ना हो तो मौसम के बारे में बात कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा? लगता रहेगा कि अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। वैसे बदले नहीं हो तुम बिल्कुल। इतना तो बदल गया हूँ। कितना बदल गए हो बताओ जरा? मेरा छोड़ो, तुम तो बदल गई हो। कितनी मोटी हो गई हो तुम। हाँ थोड़ी सी मोटी हुई हूँ। सही लगा था मुझे। क्या? यही कि बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है ना? चंदर ये बोलकर हंसने लगा। इसके बाद दोनों में बातें तो नहीं होती। थोड़ी देर तक बाहर के ठंडेपन की भाप और गर्म चाय का कोहरा मिलकर एक होने लगा। चाय खत्म करने के बाद सुधा ने ही शुरू किया, पम्मी से शादी क्यों नहीं की? इतनी अच्छी तो है वो। हाँ तुमसे बहुत अच्छी है। बताओ ना शादी क्यों नहीं की पम्मी से? तुमसे डिवोर्स नहीं लिया था ना इसीलिए। हमारी शादी कब हुई थी कि डिवोर्स होता? कई बार तो हुई थी हमारी शादी। कब? मुझे भी बताओ। सुधा ने थोड़ा चौंक कर पूछा। जब घर आकर तुमने पीजी नहीं जाने का फैसला किया था तब पहली बार हुई थी हमारी शादी। जब समंदर के किनारे टहलते हुए तुम मुझे बिना बताए रोई थी तब हुई थी हमारी दूसरी शादी।
जब तुमने रोने की एक्टिंग नहीं की थी और तुम्हें सही से रोना आया था और ये बात मैं समझ गया था, तब हुई थी हमारी तीसरी शादी, जब अलमारी के लिए लड़ाई की थी तुमने, तब हुई थी हमारी चौथी शादी, जब रोज रात में लाइट ऑफ करने के लिए तुम बहाने बना देती थी, तब हुई थी हमारी पांचवी शादी, जब अंडमान जाने से पहले तुमने मेहंदी लगवाई थी, तब हुई थी हमारी छठी शादी, जब दिवाली पर पहली बार साड़ी पहनकर पूजा की थी ना, तब हुई थी हमारी सातवीं शादी, जब तुमने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब हुई थी हमारी आठवीं शादी, और जब उस दिन तुमने फोन करके तुम्हारे अबॉर्शन का झूठ बोला था, तब हुई थी हमारी नौवीं शादी। मुंबई छोड़ने के बाद हर दिन, हर एक दिन जो हमने एक दूसरे के इंतजार में गुजारे, उतनी बार हुई हमारी शादी। शादी के लिए बैंड बाजा पंडित जरूरी तो नहीं ना, ये बात मुझे समझ तो आई लेकिन बहुत देर से। सुधा, हमारी शादी इतनी बार हो चुकी है कि एक जन्म तो तुमसे डिवोर्स ही लेने में चला जाता। तुमको पता था हमारे बेटे के बारे में? हाँ, फिर भी मिलने नहीं आए? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या नाम रखा तुमने? अक्षर। ये सुनने के बाद चंदर की उदासियां और आंसू मिलकर एक हो गए। चंदर भरे गले से पूछा, उसकी शक्ल तुमसे मिलती है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी, लेकिन नाक बिल्कुल तुमसे मिलती है। तुम्हारे जैसा ही हमेशा कंफ्यूज रहता है, तुम्हारी किताबों के अंडरलाइंस का मतलब पूछता रहता है। चंदर को यह सुनकर किसी बात का सुकून हुआ। उसने सुधा को अक्षर की फोटो दिखाने के लिए कहा। फोटो दिखाने के लिए सुधा ने जैसे ही अपना मोबाइल खोला, उसमें विनीत की 40 मिस कॉल पड़ी हुई थी। 15-20 मैसेजेस थे। विनीत के आखिरी मैसेज में लिखा था कि अक्षर को चोट लग गई है, पैर में फ्रैक्चर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सुधा ने तुरंत विनीत को फोन किया। विनीत बहुत चिल्लाया और बताया कि कल रात से वो कितना परेशान था। वो बस दिल्ली की फ्लाइट लेने ही वाला था, उसको देहरादून पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सुधा ने उसको आने से मना किया और कहा कि वो तुरंत हॉस्पिटल जा रही है। चंदर सुधा को लेकर तुरंत देहरादून के लिए चल दिया था। रास्ते भर सुधा रह रहकर अपने आप को मोबाइल बंद करने की वजह से कोसती रही। चंदर उसको समझाने की कोशिश करता रहा। 2 घंटे के अंदर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, रात भर बहुत दर्द था इसलिए नींद की दवा दी हुई है, 3-4 घंटे तक असर रहेगा, 2 जगह फ्रैक्चर है, रिकवरी में कम से कम 1 महीना लगेगा। सुधा की ये पूछने पर कि क्या हुआ था, तो पता चला कि किसी बच्चे ने पहली मंजिल से धक्का दे दिया था। ये सुनते ही सुधा ने अगला फोन स्कूल को करके सुनाना शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते गुस्से से सुधा के आंसू बहने लगे थे। सुधा स्कूल वालों पर केस करने की धमकी दे रही थी। इधर चंदर एकदम चुपचाप था। उसने सुधा को कंट्रोल में न आते देख उसके हाथ से फोन लेकर अपने पास रख लिया। वह अक्षर के बेड के पास जाकर वहीं स्टूल पर बैठ गया और सुधा को भी वहीं बैठने का इशारा किया। उसने अक्षर की नाक को छूकर देखा, उसके माथे पर हाथ रखकर धीरे धीरे बीते हुए 10 सालों को सहलाता रहा। चंदर अक्षर को देख रहा था और सुधा चंदर की आंखों को। चंदर ने बहुत धीरे से कहा, इसका माथा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये सुनकर सुधा ने कहा, मालूम है तुम्हारी सबसे ज्यादा याद कब आई पता है? कब? जब अक्षर 8वें महीने में था। रात रात भर ये पेट में लात मारता था, तब लगता था कि तुम्हें मेरा पेट सहलाने के लिए होना चाहिए था। तुम लौटे क्यों नहीं? नहीं लौटा इसलिए गुस्सा हो मुझसे? हाँ बहुत। बताओ तुम क्यों नहीं लौटे? क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन तुम जरूर आओगी या बुला लोगी। इतना भरोसा था? भरोसे से ज्यादा आदत थी तुम्हारी। जब कभी कोई भी शक्ल बहुत ध्यान से देखता था तो तुम दिखने लगती थी। मुसाफिर कैफे बनने के पहले दिन से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब लौट आओ। बड़ी मुश्किल से सालों में जाकर अपनी आदतें बदली है, अब लौटना मुश्किल है। चंदर ये बोलकर
का अक्षर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ की लकीर से अपने हाथ की लकीर मिलाने की कोशिश करने लगा। सुधा चंदर के पड़ोस में आकर बैठ गई। अक्षर और चंदर के हाथ को एक साथ लेकर चूम लिया। अस्पताल की घड़ी में सुई एक सेकंड चलना भूल गई। आने वाले पल ने जाने वाले पल को गले से लगा लिया। दो पल मिलकर ठहर गए। 2 बजे के आसपास अक्षर की नींद खुली। उसने सुधा को पास देखकर पहली बात कही, मम्मी हॉस्पिटल में नहीं रहना। डॉक्टर ने सब चेक करके बताया कि वो अक्षर को लेके जा सकते हैं। सुधा ने अक्षर से पूछा कि कैसे हुआ था। अक्षर ने बताया कि उसको किसी ने धक्का दे दिया था, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं। चंदर सुधा और अक्षर को लेकर मुसाफिर कैफे आ गया था। पम्मी अक्षर को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे उसका अपना बच्चा घर आया हो। अक्षर अलमारी की कुछ किताबें पहचानता था। उसने उन किताबों को देखकर पूछा, ये वही अंकल है क्या मम्मी जिनकी किताबें हमारे घर पर छूट गई है। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदर ने कहा, हाँ मेरी ही किताबें आपके यहाँ छूट गई है। आपका और भी बहुत सारा सामान छूटा हुआ है घर पे, पूरी अलमारी में आपके कपड़े छूटे हुए हैं। आपका नाम चंदर है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपकी कई सारी डायरी भी है हमारे घर पे। आप किताब के एंड में डेट क्यों डालते हैं? आप किताब को अंडरलाइन करके गंदा क्यों करते हैं? आपको स्कूल में बताया नहीं कि ये सब चीजें बैड मैनर्स होती है? वैसे अंकल, हैंडराइटिंग बहुत पुअर है आपकी। आपकी टीचर आपको डांटती नहीं थी क्या? ये सुनकर सुधा, चंदर और पम्मी तीनों हंस दिए। अक्षर का चंदर को अंकल बोलना पम्मी को थोड़ा खटका, चंदर को थोड़े से ज्यादा खटका था और सुधा को सबसे ज्यादा खटका था। सुधा ने एक हाथ से अक्षर का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से अक्षर का माथा सहलाते हुए कहा, ये पापा है। इस पर अक्षर पम्मी की तरफ देखकर अपनी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत भर के पूछा, ये पापा है तो पम्मी आंटी कौन है? ये सुनकर सुधा ने पम्मी की तरफ देखकर कहा, हाँ जो बहुत लकी होते हैं ना, उनकी दो दो मम्मियां होती है। ये सुनकर अक्षर चंदर के जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और पूछा, आप तीनों की शादी कब हुई? अक्षर के ये बोलते ही पिछले 10 साल की उदासी हवा में घुलकर गायब हो गई। पम्मी, सुधा और चंदर तीनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अक्षर को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। सबको खुश देखकर उसने कहा, मम्मी, बड़े मम्मी और पापा, चलो मुझे जोर से गले लगा लो। तीनों को एक साथ अक्षर से गले मिला देख मुसाफिर कैफे मुस्कुरा उठा। मुसाफिर कैफे अपने लिए नए मुसाफिर पाकर खुश था। रास्ते केवल वो भटकते हैं जिनको रास्ता पता हो। जिनको रास्ता पता ही नहीं होता, उनके भटकने को भटकना नहीं बोला जाता। 2 साल बाद अक्षर अब देहरादून में नहीं, मसूरी में पढ़ता था। हर संडे अक्षर बच्चों के साथ बैठकर अपने पापा से कहानी सुनता। रस्किन बॉन्ड अंकल उसके फेवरेट थे। जब भी वो आते तो उनसे वो उनकी कहानियों के बारे में तमाम सवाल पूछता। अक्षर को पंचतंत्र की बहुत सी कहानियां याद थी। अक्षर के मुसाफिर कैफे में आने के बाद से मुसाफिर कैफे की कोई खाली जगह भर गई थी। पम्मी को अक्षर के आने से लाइफ के नए मायने मिल गए थे। वो जब भी घूमने जाती तो अक्षर को लेकर जाती। अक्षर जब उसको बड़ी मम्मी बोलता तो पम्मी की जिंदगी से सारी शिकायतें दूर हो जाती। चंदर ने सालों बाद फिर से अपनी अधूरी किताब को लिखना शुरू कर दिया था। चंदर को समझ में आ चुका था कि जिंदगी की किताब में एंड नहीं होता, केवल और केवल नई शुरुआत मैटर करती है। सुधा ने अपनी नई लॉ फर्म खोल ली थी। वो साल में 3-4 महीने मसूरी में रहती और 1 महीने के लिए अकेले कहीं घूमने जाती, अपना मुसाफिर कैफे ढूंढने। हमारे सब जवाब हमारे पास खुद है, ये बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती ही है। बिना भटके मिली हुई मंजिलें और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। वैसे भी जिंदगी की मंजिल भटकना है, कहीं पहुंचना नहीं। धन्यवाद।